आज जो ये नजारे से व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है, मतलब बारिश हो रही है, ये देखने के लिए मेरी भी आके तरस गई थी और आप लोगों को भी दिखाने के लिए, पर फिर भी उतनी नहीं हो रही है। धूप फिर से आ गया है तो मुझे लग रहा है बंद हो जाएगी, पर स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है। बहुत दिनों बाद मिट्टी पे जब बारिश की जो बूंदे गिरती है ना, उसकी जो स्मेल आती है, वो स्मेल आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है। जो भी पेड़ है ना आगे सब पे देखिए, अभी ग्रीन बहुत लग रहा है ना, धुल गया सारा, धुल गया, साफ सुथरा लग रहा है, कितना ब्राइट और सुंदर लग रहा है। पर वही ये देख रहे हो आप, धूप आ चुका है, ये रहा, इसका मतलब बहुत देर ये होने वाला है नहीं बारिश। फिर रोड्स पे भी देखिए पानी होने से साफ हो जाता है ना, तो कितना सुंदर लगता है दिखने में। बट हो गया, इतने देर क्या ही था मज़ा, अब वापस से नो बारिश। बारिश हो या रुके वो तो चलता रहेगा, पर लाइफ में जो चीजें चल रही हैं वो नहीं रुक सकता। हर काम समय पे होना ही है, हर चीज की तैयारी करनी है। तो वैसे ही एक चीज की तैयारी करने के लिए मैंने बड़ी समझदारी दिखा करके पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दिया था, और जब चीजें आई हैं तो लग रहा है अरे ये तो काम में नहीं आने वाला, तो फिर से करना पड़ेगा। तो अब सोच रही हूँ बाहर जा करके ही खरीद लूँ। क्या है बताती हूँ, खोल के दिखाती हूँ। एक्चुअली तो सबको पता है जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी के लिए तैयारियां करनी, सबसे पहले जो पोशाक होता है कृष्ण भगवान का वो लेना रहता है। मतलब मैं हमेशा वहां से स्टार्ट करती हूँ कि पहले उनके कपड़े आ जाए, फिर बाकी तैयारियां होती रहेंगी। तो मैंने इस बारी बड़ा ध्यान से सोचा कि चलो ठीक है, मीशो से कुछ ऑर्डर करते हैं, क्योंकि वहां पे हर स्टेट्स के अलग अलग सेलर्स मिल जाते हैं अच्छे वाले, प्राइस भी थोड़ा कम मिलता है, तो क्या पता अच्छा कुछ मिल जाए। तो बहुत सुंदर सा एक मैंने ऑर्डर तो कर दिया, पर ये फिट ही नहीं आ रहा, मतलब एक तो बहुत कड़क सा है। पहले दिखाती हूँ है कैसा, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। इतना सुंदर है ना, देखिए येलो व्हाइट, इतने सारे नग का इसमें काम किया हुआ है। साइज भी मेरे कान्हा जितना ही साइज है, और यहाँ पे देखिए इतना प्यारा सा मुकुट, बहुत ही सुंदर सा, एंड साथ में ये बांसुरी में भी कितना प्यारा सा पिकॉक लगा के दिया है इसका, ये फेदर्स। इसमें कहाँ है हाथ घुसाने की जगह और अच्छे से पहनाने की जगह, ये अलग टाइप की कृष्ण भगवान का शायद पोशाक है। यहाँ पे होना चाहिए ना दो हाथ, क्योंकि वो मेरे वाले जो है उनके एक हाथ में लड्डू है, एक हाथ नीचे है, तो वो अच्छे से उसको पहनाना पड़ता है, पर यहाँ पे है नहीं, और मेरे ध्यान में आया नहीं, मैं तो बस देख के इतनी खुश हो गई। और जैसे ये आया ना डिलीवर हुआ, अंगद ने बोला ये पहनाओगी कैसे, फिट आएगा? मैंने कहा हाँ हाँ फिट आ जाएगा, साइज परफेक्ट है। साइज से क्या होता है, ये एकदम स्टिफ है, ये मुड़ता नहीं है, ऐसे उठ जाता है। तो शायद किसी और टाइप के आइडल पे लगता हो, मुझे नहीं पता, मेरे वाले में तो फिट नहीं आएगा। तो कोई नहीं, लोकली भी मिलता है, वहां जाके मैं ले लूंगी, पर इतना सुंदर हमारे आसपास तो नहीं मिलेगा, दूर तो जा नहीं सकते, वहां पे नॉर्मल सा मिल जाएगा। तो ठीक है, अब नॉर्मल सा मिलेगा, उसी में जो बेस्ट लगेगा वो लूंगी। पिछली बार जो मैंने पहनाया था ना, वो इतना सुंदर है, इतना प्यारा लगता है दिखने में ना। और पीछे जो आप मेरे ये गणेश भगवान वाला देख रहे हो ना आइडल, इनका जो देखिए यहाँ पे धोती में दिया है ना कलर, सेम ऐसा ही देखिए कृष्ण भगवान का भी सेम सेम हो गया। मतलब मैंने सोच के नहीं लिया था, पर वैसा ही सेम सेम लग रहा है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अब सोच रही हूँ येल्लो में मेरा मन था कुछ लेने का इस बार, इसलिए मैंने ये येल्लो मंगवाया, तो येल्लो में कुछ अच्छा मिले तो बाहर से ले आऊंगी। दिखाया था याद है जिस दिन ये डिलीवर हुआ था कि मैं अंगद को बताने जा रही हूँ, क्वालिटी चेक अंगद करेगा। तो जब आप हॉस्पिटल बैग पैक कर रहे हो ना, तो इसको पैक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको बेबी को जो वापस लाना है ना, तो इस कैरियर बैग में ही लेकर आप आओगे, तो सेफ भी रहेगा और अच्छे से आप उसको होल्ड भी कर पाओगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये लव लैब का कैरियर बैग है, और ये 3-in-1 कैरियर बैग है, इसको आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए कलर तो बहुत ही प्यारा है, ब्लू ग्रीन व्हाइट येलो सारे कलर से कास्ट बना हुआ है, बड़ा अच्छा है, और कॉटन का है तो बेबी की स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है। तो 3 तरीके से ये यूज हो सकता है। पहला तरीका है एज अ मैट्रेस, तो बस आपको जिप को खोल देना है और ये देखिए मैट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। 100% कॉटन फैब्रिक होने की वजह से बेबी इसमें आराम से सो सकता है। दूसरा तरीका है कि आप इसको एज अ स्लीपिंग बैग यूज करो, जिसमें कि जो फ्लैप है ये ऊपर का, ये बेबी को प्रोटेक्ट करेगा हार्श वेदर से, और कंफर्टेबली बेबी इसमें सोएगा।
और तीसरा तरीका है जो कि बहुत काम में आने वाला है, वो है एज ए कैरी नेस्ट आप इसको यूज कर सकते हो। तो देखिए ऊपर से आपको इस तरीके से इसको इनक्लोज कर देना है, उसके बाद बेबी इसमें इजिली आप कैरी करके ले जा सकते हो। जिप जो है उससे अच्छे से ये बंद कर दीजिए, तो क्या होगा कोई भी एक्सीडेंटल ओपनिंग नहीं होगी और आप आराम से बेबी को इसमें रख सकते हो। दिखने में प्यारा है, मल्टीपल यूसेज है इसपे, और देखिए इसको इस तरीके से आप स्टोर भी कर सकते हो। लिंक मैंने दे दिया है, आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको लेना हो तो। लंच करने के 20 से 25 मिनट के बाद एक ग्लास पीती हूँ ये अर्जिनाइन, ये पिछले 2 हफ्ते से पी रही हूँ। देखिए मैं कैसे एक सांस में इसको घोट लूंगी। अंगनमूल पे हंसता है, कैसे तुम पी लेती हो एक सांस में, मैं नहीं पी पाऊंगा इतना मीठा मीठा। चलिए आपको एक ज्ञान की बात बताती हूँ, मेरी इस प्रेगनेंसी जर्नी में जो भी मैं सीख रही हूँ, जो भी मैं समझ रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो कई लोगों को लग रहा होगा कि इसकी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी, अभी तक तो कुछ इसने एक्सपीरियंस किया नहीं अपार्ट फ्रॉम द प्रेगनेंसी जर्नी, आगे क्या होने वाला है, तो इसको क्यों इतना ज्ञान है, कहां से ये ज्ञान लाती है, कहां से हमें बांटती रहती है। पर एक्चुअली मैं क्यों बांटती हूं और क्यों बताती हूं, मैं इसका रीजन बताती हूं। एक तो ऑफकोर्स मैं यूट्यूबर हूं, तो मेरा काम ही है, ये प्लेटफॉर्म ही मैंने इसलिए डेवलप किया है ताकि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकूं। और दूसरा क्या होता है, देखिए मेरे पास समय बहुत है तो मैं ये सब नॉलेज ले सकती हूं, मैं चीजें पढ़ती रहती हूं, मैं चीजें वीडियोज में देखती रहती हूं, बुक्स पढ़ती रहती हूं, क्योंकि मेरे पास समय है। पर मुझे ऐसी बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज देखती होंगी जिनके पास उतना समय नहीं होगा जितना मेरे पास है, क्योंकि मुझे देखिए कुकिंग नहीं करनी, मुझे घर की सफाई नहीं करनी, कपड़ा बर्तन कुछ भी नहीं करना। तो मुझे करना क्या है, अपार्ट फ्रॉम व्लॉग बनाना, उसको एडिट करना, जो कि टाइम लगता है। मुझे काफी लोग पूछते हैं जो बाहर मिलते हैं ना, मतलब जो मेरे को व्लॉग्स में देखते हैं फिर मुझसे मिलते हैं, या कोई नोन पर्सन है जिसने मेरा व्लॉग डिस्कवर किया, तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कितना टाइम लगता है व्लॉग बनाने में, आसान है क्या। तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि जब व्लॉग बन रहा होता है तो 7 से 8 घंटा की शूटिंग लगती है और 10 से 11 घंटा की एडिटिंग। तो ये फुल डे आप गिनो, अगर मतलब ऐसे गिना जाए तो 24 घंटा का काम हो गया। हफ्ते में 3 बार पोस्ट करती हूँ, तो एक दिन पूरा शूट किया, नेक्स्ट डे एडिट किया, तो काम तो काफी ज्यादा है। पर चलिए फिर भी उसको नहीं गिनते, घर के काम की तो बात ही कुछ और है, उसमें तो बहुत ज्यादा टायरिंग होता है। तो बहुत लेडीज हैं जो घर का सारा काम करती हैं, उसके बाद टाइम नहीं मिलता कि चीजों को पढ़े समझे, तो उनको हेल्प मिल जाती है मेरे थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान बांट रही हूं बिना एक्सपीरियंस किए, क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूं, मेरे पास वो लग्जरी ऑफ टाइम फिर भी है कि मैं रीड करूं और समझाऊं। तो वैसा ही एक ज्ञान मैं आपको देने जा रही हूं कि अगर आप हॉस्पिटल बैग अभी पैक कर रहे हो, आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो खुद का पैकिंग तो किया होगा, बेबी का भी किया होगा, पर हस्बैंड का भी तो कुछ ना कुछ किया होगा ना। तो एक बात का ध्यान रखिएगा अगर आपको सेंसिबल लगे तो, कि हस्बैंड के लिए ना जो भी लीजिए ना शर्ट फॉर्म में लीजिए। टी शर्ट मैं अंगद के लिए सिर्फ एक ही पैक कर रही हूं, बाकी सब कुछ शर्ट में ले रही हूं। क्यों बताती हूं, तो क्या होता है ना, न्यूबॉर्न को ना स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो किसी को नहीं पहचानता है, उसको बस बॉडी की गर्माहट समझ में आती है। सबसे ज्यादा सुकून उसको वैसे ही लगेगा जब वो बॉडी से सटा हुआ रहेगा बिल्कुल। तो मदर के बॉडी से सटा हुआ रहेगा, पर हमेशा तो वो नहीं होने वाला। मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, डॉक्टर कुछ आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वॉशरूम गए हो, बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ, राइट। तो ऐसे में जो फादर होगा ना, तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग लाइक दिस ऑल द टाइम, अगर वो अपना शर्ट का बटन खोल के बॉडी टू बॉडी बेबी को देता है ना, तो क्या होता है, बेबी को बहुत रिलैक्स फील होता है, उसको बहुत सुकून लगता है, वो प्रोटेक्टेड फील करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग बॉन्ड विद द बेबी फादर के लिए। फादर बेबी का एक बॉन्ड भी होता है। तो ऐसे में क्या होगा, ऑफकोर्स टी शर्ट अगर आपके हस्बैंड पहनते हैं तो वो भी खोल खोल के वो ऐसा कर सकते हैं, पर कितनी बार खोलेंगे आप भी सोचिए। कई बार क्या होता है, नर्स अंदर आ रही है, कभी बार कोई मिलने आ रहा है, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना। पर अगर ये बटन रहेगा तो बस 2 बटन खोला, बेबी को अंदर डाला और फिर अच्छे से कुछ ओढ़ लिया। तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इट रियली हेल्प्स न्यूबॉर्न, उसको बहुत सुकून मिलता है पापा से मम्मी से ये बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट करके। तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप सोच रहे हो पैक करने का, तो एक बार अपने हस्बैंड से डिस्कस करिए कि इजी कंफर्टेबल, और थोड़ा सा वो भी मैटर करता है, थोड़ा सा वियर्ड लगेगा सुन के कि लड़कों को तो बहुत चेस्ट में बाल होता है ना, तो बहुत ज्यादा अगर बाल है तो आई डोंट नो फिर तो बेबी को नहीं आराम लगेगा। पर अगर कम बाल है और कुछ आपके हस्बैंड उसका जुगाड़ कर सकते हैं पहले से, तो बात कर लीजिएगा उनसे ताकि वो साफ रहेगा, क्योंकि साफ रहना बहुत जरूरी है, एंड पसीना ना ज्यादा आता हो, सब वो सब बेसिकली हाइजीन देखने के अलावा अगर सब कुछ ठीक है तो ये इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, तो वो कंसिडर जरूर करिएगा। The next day. गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग, आज सुबह से मैंने बात ही नहीं करी, तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था सुबह सुबह, आगे क्या रश था, मतलब कि सारे चेयर्स फुल, बिल्कुल हम लोग एक घंटा बैठे, अपॉइंटमेंट था जबकि उसके बाद हमारा नंबर आया। अंगद तो लास्ट में इरिटेट होकर पूछने के लिए गया कब आएगा हमारा नंबर, फिर जब पूछने गया तो कहती है नेक्स्ट आपका ही है। ये हमेशा होता है हमारे साथ, हम पूछने जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर निकल जाता है। तो पहले क्या था कि वो हर 14 डेज में बुला रही थी, इस बारी 10 डेज में बुलाया है, एक वो नया इम्प्रूवमेंट है। और दूसरा क्या है, एनएसटी करने को बोला है स्टार्ट करने के लिए, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, तो हमें 5 दिन के बाद ही बोल दिया नहीं एनएसटी स्टार्ट करो 5 दिन के बाद। तो उन्होंने कहा कि अब वीकली बेसिस पे एनएसटी करना रहेगा, तो वो एक चक्कर रहेगा, अब आना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो पहले एनएसटी होगा, फिर उसके 4 डेज के बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट बोला है कि खुद का लेने के लिए, तो ये एक रहेगा। पर ये प्रोसीजर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ का प्रोसीजर ये है कि आपका एनएसटी 35th वीक से स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए किसी की डिलीवरी अगर 40th वीक में हो रही है, 40वां हफ्ता में हो रही है, तो 5 हफ्ता तो उसका ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो हमने क्या सोचा कि काम करते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं एनएसटी का, फिर आएंगे करवा लेंगे। और जब गया अंगत पूछने तो कहते हैं कि नहीं, एनएसटी का कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है, आप आओगे सीधा ऊपर जाकर के बात कर लेना। तो मतलब अगर वेटिंग है कोई और भी है लेडी, तो आपको बैठना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम है। और एनएसटी में आई थिंक टाइम भी लगता होगा, टाइम भी लगेगा, एटलीस्ट 20 मिनट तो लेटाएंगे ही है ना, चेक करेंगे ही, तो वेटिंग करना पड़ेगा। देखते हैं, जो भी है तो आना तो पड़ेगा ही, तो वो करना है। बाकी उन्होंने मेडिसिन जो था वो सब वही है, आर्जिनिन जिसे दे रही थी वो कंटिन्यू करो, सब कुछ कंटिन्यू करो। और जो मैं कह रही थी कि एक्सरसाइज का मैं पूछूंगी कि अब तो करना चाहिए, तो उन्होंने एक्सरसाइज तो ऐसे नहीं बोला है, सिटअप्स बोला, नहीं सिटअप्स बोला, और क्या बोला, बस सिटअप्स ही बोला ना, सिटअप्स एंड वॉकिंग, वॉकिंग तो चलिए वॉकिंग ही है, पर सिटअप्स करने को बोला है, तो और उसके अलावा ऐसा तो कुछ नहीं। चलिए जा रहे हैं घर, घर जाते जाते मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, तो मैं जूस पीऊंगी, और मेरा प्लान है बनाने का मटन, तो उसके लिए मैंने बोला कि मटन यहीं से लेते हुए चलते हैं। बहुत टाइट कर दिया है वो, कहीं पे कट होता है ना जहाँ से हाँ। तोड़ सकते हो, वो भी नहीं है। ये चिकन एंड मोड़ में देखिए झालमुड़ी भी बेचने लगा है, अंगद को दिखा तो ले आया, मेरे लिए मुझे अच्छा लगता है ना। और ये बंगाली वाला ये है ना स्टाइल, हाँ, बांग्ला हाँ, में लिखा है तो मतलब हाँ हाँ लिखा है, लिखा है, ये रहा, इधर इधर भी लिखा है, हाँ। वाह। अंगद गया लेने के लिए, अर्जिनाइन खत्म हो गया ऑलमोस्ट हमारा, और दो भी तो मैम ने बोला है 20 डेज तो लेना ही लेना है, तो 20 दिन लीजिए, यहाँ पे नहीं मिला, नहीं मिला अब उधर जाएगा। तो अच्छा ये तो दवाई दुकान है किधर, एक इधर, तो इधर नहीं मिला तो अंगद अब उस तरफ वाले में जाएगा। चलिए, आने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट किया, शावर लिया, अब टाइम है खाना बनाने का। वैसे तो बहुत लेट हो गया और मन भी नहीं कर रहा कि मटन जैसा प्रोसेस में घुसा जाए, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है ना, पर मन है खाने का और मंगवा लिया है तो खाना ही पड़ेगा। तो अंगद को दे दिया ड्यूटी चॉपिंग करने का, तो वो अभी पहले प्याज व्याज काट लेगा, तब तक मैं मटन वॉश करूंगी। तो नॉनवेज जो भी बनता है हमारे घर में, तो वॉश करना बनाना वो मेरा काम होता है, और जैसे कि अनियन काटना हो गया, लहसुन काटना हो गया, वो सब अंगद कर देता है, तो इस तरीके से हो जाता है। मत रो अंगद, मत रो, सब ठीक हो जाएगा अंगद, सब ठीक हो जाएगा। अंगद के क्या हाल हुआ है प्याज काट के, जबकि डिप रखा था पानी में कुछ देर, बट पानी आ रहा है मुझे, अरे स्वेलिंग हो गई है, पूरा चेहरा सूज गया है, हाँ, और मेरा नाक भी बह जा रहा है, माय गॉड, यस, इतना ज्यादा है ना, पता है नाक थोड़ा ज्यादा ही सेंसिटिव है ये सब चीजों के, हाँ, सेंस, नाक भी, नाक दो चीज, एक तो मैं कोई भी 2-व्हीलर लेके बाहर निकलूंगा, गारंटीड है मेरी आंख में कीड़ा घुसेगा ही घुसेगा, और फिर इतना लाल हो जाएगा, और दूसरा ऑनियन, और तीसरा बघार, हाँ, अच्छू अच्छू अच्छू। लंच करना तो हो गया, पर अब देखिए मैं माइक पहन के बैठी हूँ, और यहाँ पे मैंने एक जगह रखी है जिसमें कि अंगद आएंगे और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो पहले माइक पहना दिया जाए, वरना यही कमेंट आएगा, माइक पहनो, माइक पहनो, को कोई माइक दे दो, ये लो।
हाँ जी हेलो हेलो माइक चेकिंग आ रही होगी आवाज, आई एम श्योर आ रही होगी. एनीवेज तो हाँ, बात करनी है उस टॉपिक के बारे में जो आपने टाइटल में पढ़ा होगा, जो मुझे आपसे बहुत टाइम से शेयर करना था. तो आप इसको पहन लीजिए, हुक कर लीजिए. आई थिंक दिस इज मच कूलर. देखो ऐसे पहन के बात करते हैं तो कितना कूल लगता है. और आवाज भी अच्छी आती है. ठीक है, तो ऐसे रखना. yeah. तो बात करते हैं कि बेबी का जो किक्स है वो कब से फील होना मुझे स्टार्ट हुआ था. आप लोगों से बहुत लोगों ने मुझे काफी बार पूछा भी है, सोना क्या किक फील हो रहा है, क्या किक फील हो रहा है. अब तो हो ही रहा होगा, वो तो आपको पता ही है, 35th वीक मेरा स्टार्ट हो गया है. पर एक्चुअली मुझे स्टार्ट हुआ था ये 18th वीक से फील होना, 18वें हफ्ते से. तो अगर आपका देखिए प्लेसेंटा पोजीशन जो होता है ना, उस पर डिपेंड करता है. पोस्टीरियर है तो कहते हैं जल्दी फील होता है, एंटीरियर है थोड़ा लेट फील होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो थोड़ा लेट फील होता है, और अगर आपका सेकेंड प्रेगनेंसी है तो थोड़ा सा जल्दी फील होता है. तो मुझे फील हो गया था 18th वीक में. पर स्टार्टिंग में ना एकदम फ्लटरिंग सा लगता था वो, मतलब जैसे कि लेट रही हूँ राइट साइड या लेफ्ट साइड में ना, तब थोड़ा सा फील होता था. पर अंगद उस टाइम पे फील ऑफ कोर्स ये बोलती थी, मैं हमेशा ट्राई करता था वहां पे, मतलब हाथ रखने के टमी पे हाथ रख के मैं भी फील करूं, मैं भी ट्राई करूं, पर मुझे कुछ फील नहीं होता था. एकदम सा मतलब बहुत ही लाइट सा फील होता था, और मैंने डॉक्टर को बताया भी था कि मुझे फ्लटरिंग फील होती है. और उसके बाद ना धीरे धीरे से वो थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हुआ, पर अगेन अंगद फील करे उसको टाइम लगा. है ना, आई गेस मुझे क्या? याद नहीं है एग्जैक्टली 24-25th वीक हो गया था मेबी. हाँ मेबी उस टाइम उससे पहले अंगद को नहीं हो रहा था, पर मुझे धीरे धीरे जो है वो फीलिंग बढ़ रही थी कि हाँ अभी ज्यादा फील हो रहा है, अभी ज्यादा फील हो रहा है. पर 24-25th वीक के आसपास से उसके बाद तो अंगद को पूरा ही फील होने लगा. है ना, काफी ज्यादा, काफी जैसे हाथ रखा हो. जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि फादर जब आते हैं तो मतलब वो बेबी मूवमेंट करना बंद कर देता है, ऐसे हमने बहुत रील्स देखा है. पर क्योंकि अंगद ने ना इतना इंटरेक्शन रखा ना कि ये हाथ रखता है तो उल्टा रिस्पांस ज्यादा आता है. हाँ, है ना? हमेशा होता है, हमेशा होता है. जब मैं हैंड रखता हूँ तब ज्यादा बेबी किक करता है. हाँ ये होता हाँ. है, थोड़ा बहुत तो बात भी सुन लेता है एक्चुअली. हाँ आवाज पहचान जाता है एक्चुअली. एकदम अंगद की आवाज पहचानेगा, हाथ रखेगा जहाँ पे वहां पे किक करेगा, दोनों की बातचीत हो जाती है. तो अगर आप बातें करते रहोगे, जो मैंने बताया जैसे गर्भ संवाद के बारे में, टॉकिंग टू द बेबी इन द वूम, तो वो अंगद शुरू से प्रैक्टिस करता रहा है, तो उसकी वजह से ना बहुत वो सिंक में लगता है. तो फील होना जब स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके कि हाँ यहाँ पे हाथ रखा, हल्का सा किक आया, तो अंगद बोले हाँ हाँ फील हुआ है, फील हुआ है, फील हुआ है. फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया, और काफी बार तो अब दिख भी जाता है ना सर. अब तो टमी उठा देता है थोड़ा बहुत एक वो बहुत अब तो अच्छा छूने का भी जरूरत नहीं पड़ता, ऐसे विजुअली दिख जाता है कितना मतलब किक कर रहा है, हैंड मूवमेंट कर रहा है पूरा वेव. अब एक्चुअली रिसेंटली आई थिंक सो लगभग 2-3 वीक से हिकअप्स भी लेता है तो भी मुझे बाहर फील हो जाता है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. पहले हमेशा ये बोलती थी हिकअप्स ले रहा है, हिकअप्स ले रहा है, मुझे तो ऑब्वियसली मुझे फील नहीं होता था. अब हिकअप्स ले रहा है तो तभी भी मुझे फील हो जाता है. फील होता है, हिकअप्स ना बहुत फास्ट लेता है, मतलब हिचकी बहुत फास्ट लेता है. इस पेस में लेता है. हां बिल्कुल, स्लो नहीं, ऐसा हम लोग लेते ना लिया पे हम लोग रुक जाते हैं एडल्ट्स, उसका ऐसा नहीं है. 20 मिनट चलता रहेगा तो अंगद बोलेगा हाँ हाँ फील हो रहा है, फील हो रहा है, हिकअप्स फील हो रहा है. तो वो भी बड़ा उसका क्यूट सब कुछ लगता है, छोटा छोटा है ना, तो उसके दो हिकअप्स के बीच में गैप भी छोटा छोटा है. और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा हिल जाता है, पूरा है जरूर. एक्चुअली तो हिकअप्स भी मुझे एक्चुअली बहुत जल्दी फील होने लगा था. मुझे हिकअप्स ना 21 वीक से स्टार्ट हो गया था फील होना. मैं समझ रही थी कि ये हिकअप्स है, मतलब हिचकी आ रही है. तो हिचकी क्या होता है ना, वो बहुत फास्ट फास्ट आपको समझ में आएगी. जैसे किक करता है तो आपको पता है एक बार मूवमेंट किया फिर रुक जाएगा, ठीक है. तो अगर आपको जानना है कि हिचकी है या फिर ये मूवमेंट है, तो हिचकी जो होगा वो रिदमिक वे में चलता रहेगा, एटलीस्ट 5-10 मिनट तो चलेगा ही चलेगा. फिर धीरे धीरे अंगद को भी फील होने लगा कि हाँ अभी हिचकी आ रही है. दिन में रूटीन है, हिचकी आती है, टाइम रहता है, स्लॉट भी फिक्स है, बार तो आ जाती है. तो वो भी फील होता है. तो हाँ बड़ा अच्छा लगता है, वो वेव जैसा आता है तो और भी अच्छा लगता है दिखने में अंगद को, और फील भी करता अच्छा है. मुझे अब पता चल जाता है एक्चुअली कि पैर है या हैंड है, वो मुझे क्लियरली पता चल जाता है टच से. मतलब पेट उठाने पे विजुअली नहीं पता चलता है, बट टच से मुझे फील हो जाता है कि हाँ ये पैर था. Yes. और ना कई बार हमने ना रील्स में देखा था कि काफी ज्यादा हाथ का छाप दिखता है, वैसा हाँ, नहीं हो रहा उतना है, तो नहीं हो रहा है. हाँ, उतना नहीं हो रहा है, शायद किसी का मतलब पतला स्किन होगा या ऐसा समथिंग. हाँ. तो उसमें हमने एक तो रील्स में देखा है कि लिटरली पता चलता है. तो आप लोग बताइएगा अपना क्या कि क्या सच में इसे हाथ हाथ दिख जाता है, पांव पूरा हाथ का इंप्रेशन ऐसे हो जाता है, ऐसा रील्स हमने देखा था. बट वैसा तो नहीं हो रहा अभी तक, तो नहीं हो रहा. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा भी होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है. पर अंगद फील कर लेता है कि ये ना पैर है, ये ना हाथ है वैसा, ये सर है, वो बहुत कड़क सा है तो हाँ ये सर है वैसा. कभी कभी टमी पे ऑयल लगाते वक्त पूरा पोजीशन ऐसे गोल घूम जाता है. चल
उसको गुदगुदी होती है क्या पता नहीं, वो पूरा जस्ट यही समझ जाता है। तो हाँ ये अच्छा लगता है, बहुत ही स्पेशल लगता है। और हाँ वो जो आपने सुना होगा देखा होगा कि जब आप रिकॉर्ड करने जाती है मदर या फादर तो फिर वो मूवमेंट नहीं आती, वो होता है सच वो में। तो भाई साहब उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग चालू किए हो, जैसे ही पूरा खिल रहा होता है, मतलब हर 20-30 सेकंड में किकिंग वगैरह या हैंड मूवमेंट आ जाती है, जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो पूरा ऐसे पॉज, और ये इंटरनेशनल ऐसा पॉज हो जाता है कि पता नहीं क्या है, कैसे पता चल जाता है समझ में नहीं आता। और ये वर्ल्ड वाइड ये कंप्लेन है पेरेंट्स की, मैंने कितने रील्स देखे हैं उसमें भी सेम बातें होती है, लोगों से भी सुना है और एक्सपीरियंस भी किया आपको कि पता नहीं पता चल जाता है कि मेरे ब्रेन से उसको आइडिया लगता है कि रिकॉर्डर रुक जाता है। तो वो अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई कि मैं कुछ भी, एक बार हमने मामू बनाया था थोड़ा सा मूवमेंट आया था याद है, मैं बातें करते रहा मैं कंटिन्यूअसली और ये पीछे से चुपके से इसने वीडियो निकाल लिया तो एक मूवमेंट कैप्चर हुई है। सोचिए उतना देर वो करता है उसमें एक मूवमेंट पर, वो फिर वो समझ गया कि कुछ तो चल रहा है, कुछ मेरे साथ गेम खेली जा रही है यहाँ पे। तो हाँ बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशल लगता है। तो 18th वीक से फील हो रहा था, तो पहले कुछ वीक्स तो सिर्फ मुझे मिले फील होने के लिए, अब हम दोनों वो शेयर कर पाते हैं तो अच्छा लगता है। पर हाँ जब डॉक्टर चेक करती है फिर वो मूवमेंट उस टाइम नहीं करता है, मैं बोलती हूँ कि समझ गया क्या। तो ये अच्छा लगता है, आप लोगों को भी ये मेमोरी होगी या फिर अभी आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करिए आप लोगों को कैसा लगता था। बहुत ही स्पेशल फीलिंग ऑफ कोर्स, ये फीलिंग तो मिस होगी बाद में मुझे लगता है ऐसा कि हाँ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत क्यूट सा मोमेंट है। तो चलिए मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग, मैं खुद ही बोल रही हूँ मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। वो लाइक के थ्रू दिख जाना चाहिए इस बार। हाँ जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतना हमको फीडबैक मिलेगा कि आपको अच्छा लगा, लाइकिंग इट। हाँ और अगर ये हमारा जो जर्नी है वो आप भी एंजॉय कर पा रहे हो साथ में, हमारा पर्पस वही है कि हम जो व्लॉग्स बनाए वीडियोस बनाए सब लोग एज अ फैमिली साथ में एंजॉय कर पाए, हमारी भी मेमोरी बनती जाए। तो अगर आपको अच्छा लगता है हमारे व्लॉग्स देखना तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। पूरा वीडियो इसने देखिए ऐसे कर लिया, ये मस्त एकदम देखो ऐसे छोटा सा मस्त है, कूल लग रहा है ऐसे मुझे। बाय बाय।